जब घर पे आ रहे हो मेहमान और खूब सारे स्नैक्स करने का हो प्लान, तो फिर ये एक सुपर इजी और सुपर टेस्टी ड्राई लौकी के कोफ्ते भी सर्व कीजिए। इसे चाहे तो स्नैक्स के तरीके या तो एक सब्जी के तरीके से पेश कीजिए। चलिए बनाना सीखते हैं लौकी के कोफ्ते बहुत ही आसानी से। बनाने के लिए हमें चाहिए होगी लौकी, जिसको हम कद्दूकस कर लेंगे। ये जो कद्दूकस की हुई लौकी है, उसके हम बेसन के साथ जो है कोफ्ते बना लेंगे, ताकि कोफ्ते हार्ड ना बने, सॉफ्ट बने। इसलिए आप बेकिंग पाउडर या फिर मीठा सोडा डाल सकते हैं। अब यहाँ पर बेसन क्योंकि थोड़ा भारी होता है, इसलिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम अजवाइन डाल रहे हैं। जो टेस्ट एनहांसर्स होंगे हमारे कोफ्ते के, वो है गरम मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर और दालचीनी पाउडर। वैसे तो लौकी में खूब सारा पानी होता ही है, पर फिर भी हम अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा पानी रख लेंगे। और इस जो कोफ्ते हम बनाएंगे उसको तलने के लिए तेल। अब मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया था, तो अब मैं इसमें डाल लेता हूँ बेसन। अब आपको लग रहा होगा कि मुझे अगर पानी डालना ही था बाद में, तो फिर मैंने इसमें पानी क्यों निकाल दिया? फिर आपका बेसन ज्यादा लगता और फिर पकौड़ी जो होती आपकी थोड़ी सी हार्ड होने की संभावना हो जाती, और लौकी का टेस्ट तो आता नहीं, बस बेसन ही बेसन आ जाता। तो अब मैं थोड़ा सा अंदाजा ले लेता हूँ कि इसमें कितना बेसन जाना है। इसे हल्का हल्का चलाते चला, यहाँ पर देखिए ये ऐसे हो गया है। तो अब ये जो मेरी चलनी थी, इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा मीठा सोडा। अब इसका फायदा क्या होता है कि ये प्रॉपरली जो होता है आपका मिक्स हो जाता है जो आपके बेसन में होता है। आप अलग से भी डाल सकते हैं, पर वही बात हो गई फिर कि उसमें मतलब एक जगह गुठली पड़ जाएगी। तो अब ये देखिए ऐसे परफेक्टली फैल जाता है। अब जो नमक था वो तो मैंने मीठे सोडे के साथ ही डाल दिया था, तो इसीलिए अब मैं डाल दूंगा इसमें जो अब मेरे सूखे मसाले हैं वो। सबसे पहले मैंने डाला अपना जीरा पाउडर और फिर अपना दालचीनी पाउडर, और साथ में अजवाइन डाल के मिला के बॉल बनाने तक की कंसिस्टेंसी में इसे ले आऊंगा। वैसे तो कुछ लोग इसमें और बेसन डाल के इसे और हार्ड बनाते हैं, पर मुझे इतना ही पसंद है। तो अब मैं अपने हाथों पे थोड़ा सा ले लूंगा ऑयल, अच्छे से लगा लूंगा ताकि हाथ पे चिपक ना जाए, और फिर एकदम छोटी छोटी प्यारी प्यारी बॉल्स बना के और फिर इसे डाल देता हूँ अपने गर्मा गर्म तेल में। सिम पे ही कीजिएगा, हाई पे मत कीजिएगा। अब मैंने इतनी छोटी छोटी बॉल्स क्यों बनाई है, क्योंकि रस पीने के बाद ये गोल मटोल होके डबल हो जाती है। अब ये देखिए मैं इसको हल्का गुलाबी कर रहा हूँ, ऐसे घुमा घुमा के। भाई वाह क्या रंग आया है। तो अब मैं इसे निकाल लेता हूँ एक टिश्यू पेपर पे। अब टिश्यू पेपर पे क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि कोफ्ते भी खा ले और हेल्थ पे ज्यादा हार्म भी ना हो। तो अब हमारे हो गए हैं ड्राई कोफ्ते तैयार। इसे आप ऐसे ही चाय के साथ खाइए या फिर ग्रेवी में डाल के एक सब्जी के तरीके अपने मेहमानों के सामने पेश कीजिए, और इसी तरीके से आप अपने प्याज के कोफ्ते भी बना सकते हैं। ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा।